नमस्कार, मैं भावना सिंह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। धनबाद जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा एक शिविर लगाया गया, जिसमें स्थानीय लोग अपनी अनेक प्रकार की परेशानियों को लेकर आए, जिनका शिविर में समाधान किया गया और सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के बारे में शिविर में मौजूद लोगों को विस्तार से बताया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धनबाद जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक सेवा केंद्र टुंडी प्रखंड कार्यालय में शिविर लगाया गया, जिसमें विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डालसा सचिव सह अवर न्यायाधीश अरविंद कच्छप ने लोगों को प्राधिकार द्वारा दिए जाने वाले कानून सुविधाओं सहायता के बारे में लोगों को जानकारी दी और ये भी बताया कि लोग अपने अधिकारों को समझें। आपको बता दें, कच्छप ने अपने हाथों से हेल्थ कार्ड वितरण किया। टुंडी प्रखंड विकास पदाधिकारी पायल राज ने सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी और साथ ही मनरेगा के जॉब कार्ड भी वितरित किए। शिविर में पहुंचे विभिन्न क्षेत्रों से ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। कुछ समस्याओं का साथ के साथ निपटारा कर दिया गया और कुछ समस्याओं को कुछ दिनों में निपटारा करने की बात की गई। आपको बता दें, 85 जॉब कार्ड का वितरण किया गया और 5 वृद्धा पेंशन स्वीकृत किया गया और 10 हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया। जमीन संबंधी 5 मामलों को निपटारा किया गया। इसी के साथ और अन्य लोगों की परेशानियों का समाधान किया गया। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता कुमार बिमलेंदु, डॉक्टर सोनी, कृषि पदाधिकारी विमलेश कुमार, CI सहित अन्य लोग मौजूद रहे। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।